अब आप टॉयलेट के दरवाजे खोल के देखेंगे तो यू नो जस्ट वॉमिट करेंगे आप, ये इतनी हालत है ऐसी लेकर। कोई इंतजाम नहीं है लेकिन ना, एकदम क्योटिक मिसमैनेज पैथेटिक कंडीशन लेकर ऐसा लेकिन ना, कोई इंतजाम नहीं है लेकिन ना, एकदम क्योटिक मिसमैनेज पैथेटिक कंडीशन लेकर ऐसा लेकिन ना। In spite of the maximum amount दिए amount 4,27,000 rupees you know, and if the family is traveling with two people you are ending up spending 12.5 lakh rupees 4,20,000 यार पहले बोले रूम देंगे करोड़, दूसरे बार बोले 2 बजे आओगे, बाद में क्या बोले 6 बजे आओगे, और 6 बजे गए बार 9 बजे आओ ईशा के बाद बोले, ईशा के बाद बोले तुम्हें और 11 बजे आओगे यार, दिक्कत में इतना तो बहुत तकलीफें हैं, कह तो मस्तूरात में है यार। एक रूम में ऊपर टॉयलेट लीक हो रहा है, मैं वीडियो पकड़ के है, आप उसको गौर कर सकते हैं, जाके गौर करके देख सकते हैं। स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों शहर बेंगलुरु में हज कमेटी जो हज हाउस बनाया गया है, आप लोगों ने देखा था किस तरह से हज हाउस की ओपनिंग हुई थी, जहां चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमाई और बहुत से दीगर हजरात उलमाए किराम जो है इस ओपनिंग में आए थे। इसमें बहुत से पॉलिटिशियन भी आए थे और ओपनिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत धूमधाम से ओपन की गई थी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हज भवन है, ये हज भवन की बुनियाद डालने वाले हमारे सदानंद गौड़ा जी मुख्यमंत्री है, उन्हीं की बदौलत से आज 100 करोड़ के ऊपर का हज भवन बना है। और उसके बाद हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने दिखाया था कि पहली फ्लाइट कितने हंसी खुशी से कितने जोश में हाजियां बेंगलुरु से रवाना हुए मदीने के लिए। और आज इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि जिस तरह से पहली फ्लाइट में हाजियां रवाना हुए, उसके बाद तीसरी फ्लाइट में वही हाजियां अपने आप में अफसोस करते हुए शर्मिंदा होकर जो है यहाँ से नाराज़गी जताते हुए हज के लिए निकले। जी हाँ दोस्तों, हज के लिए जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत नसीब वालों को जो है हज नसीब होता है, और हाजियों की खिदमत करना भी जो है हम जैसे लोग एक नसीब की बात समझते हैं, क्योंकि हज अल्लाह के घर जाना होता है जहाँ हाजियाँ खुशी से हज के लिए रवाना होती हैं। और हाजियाँ जो हज के लिए जाते हैं उसमें बहुत से हाजियाँ जो है वापस नहीं आते, क्योंकि अल्लाह उनकी मौत जो है वहाँ लिखा होता है। घर वाले खुशी खुशी अपने घर वालों को हज के लिए छोड़ने आते हैं, ख़ास करके हज कैंप से, और हज कैंप में देखने के लिए बहुत से लोग जो है अलग अलग जगह से आते हैं। और इस बार जो है बेंगलुरु के हज कैंप में बिदर से, गुलबर्गा से, अनंतपुर से, धारवाड़ से और ऐसे बहुत से जगहों से जो है हाजियाँ आए हैं। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि एक तरफ जहाँ हाजियाँ आए हैं, दूसरी तरफ बहुत से हाजियाँ जो है नाराज़ हैं इस हज कमेटी के मेंटेनेंस से। जहाँ हाजियाँ वजू बनाने के लिए जा रहे हैं वहाँ वजू का पानी पूरा बिखरा हुआ है, वहाँ पर खड़ने के लिए शर्म आ रही है, वहाँ पर खड़ने के लिए अफसोस हो रहा है क्योंकि पूरा बैग जो है पानी से भीगा हुआ है। और बाथरूम इस तरह का है, यहाँ पर बाथरूम में जो है जो बाथरूम है उसकी गंदगी उभर कर ऊपर आ चुकी है, लेकिन क्लीन नहीं किया गया है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। हाजियाँ कह रहे हैं कि उन्होंने 2 से 3 मरतबा जो है कंप्लेन की है, लेकिन शर्म की बात है कि कंप्लेन देने के बावजूद भी आज तक वहाँ पर जो है बाथरूम क्लीन नहीं किया गया है। हमारे पास इसकी तस्वीरें हैं, हमने खुद ने जाकर जो है एक्सक्लूसिव फुटेज पकड़ा है किस तरह से यहाँ पर हालात है और किस तरह पर जो है बाथरूम है। हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाला हर मर्तबा जब हाजिया जाकर उनके कंप्लेन करते हैं तो वो उनको तसल्ली देते हैं कि आप फिक्र मत करिए, मैं पाक करा दूंगा, मैं क्लीन करा दूंगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गए अभी तक ना क्लीन हुआ है ना पाक किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाजियाँ बाहर से आए हैं, एक स्टेट छोड़ कर दूसरे स्टेट में आए हैं, कर्नाटका स्टेट में बेंगलुरु के हज कैंप में, उनको रहने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। पर अलबत्ता आप जो जब जगह नहीं है, यहाँ पर इतने रूम्स हैं लेकिन जगह नहीं है, तो किसी और जगह पर होटल लेकर हाजियों को इंतज़ाम कर सकते थे, लेकिन हाजियों को यहाँ पर खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ हाजी ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि हमने बाहर पार्किंग में रातें बिताई है,
लेकिन अफसोस उन्होंने मुझे वादा किया था कि उनका वीडियो ना दिखाएं। बड़ी शर्म की बात आती है। कुछ ऐसे हाजियां हैं जो हॉल में सो रहे हैं और वो हॉल में जहां हाजियां सो रहे हैं उसके बाजू गंदगी पड़ी हुई है, ऊपर दीवार में से पानी लीक हो रहा है और जाकर हम ऊपर देखते तो वो बाथरूम का पानी जो है टपक रहा है। हाजी की खिदमत करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हाजी जो हज के लिए जा रहा है, अल्लाह के घर के लिए जा रहा है, ऐसे हाजियों को यहाँ पर इस तरह से छोड़ा हुआ है। एक हाजी ने हमें बताया कि भाई मैंने एक रात पार्किंग में बिताई है, ठंड में मैंने रात बिताई है और मुझे कल रात रूम दी गई, कल सुबह मेरी फ्लाइट है। बड़ी अफसोस की बात है कि हाजियों को ठंड में सुलाया गया था। हाजी यहाँ से खुश होकर जाना है या उनको अफसोस कर पछता कर यहाँ से जाना पड़ता है। कितने हाजियाँ यहाँ से तंग होकर गए। और दो दिन हाल ही में हमने देखा था कि बिदर के हाजियों को यहाँ पर लड़ाई हुई थी, हम उसका भी वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बिदर के हाजियों के साथ यहाँ के स्टाफ के साथ लड़ाई हुई थी। रौफुद्दीन कचहरी वाला जो है यहाँ के चेयरमैन है, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे यहाँ के हाजियों की पूरी से पूरी जो है सेफ्टी देखे। पहले उनका काम ये होता है कि हाजियों की सेफ्टी देखे, ये नहीं होता है कि जब बस निकलती है झंडा पकड़ के झंडा हिलाए। झंडा हिलाने के लिए वहाँ से बहुत से लीडर आते हैं, लेकिन हाजियों की खिदमत करने के लिए एक चेयरमैन की ये ज़रूरत होती है। ये पहले देखना चाहे कि कहाँ जिस तरह से दूसरे स्टेट से मेरे पास हाजियाँ आए हैं, मैं उनकी खिदमत पहले कैसे करूँ, कैसे उनको खुश रखूँ, कैसे उनको सही सलामत उनकी बस में बिठा कर एयरपोर्ट पहुँचाऊँ। अब यही हाजियाँ अगर अपने स्टेट में जाकर अपने लोगों से कहेंगे कि हमारी हालत बेंगलुरु में इस तरह से हुई थी, तो सोचो बेंगलुरु की हालत, सोचो बेंगलुरु हज कमेटी की इंसानियत, सोचो बेंगलुरु किस तरह से बेंगलुरु की बेइज्जती हुई है। बड़ी शर्म की बात है ये। तो बहरहाल चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसी हालत है, हाजियाँ कैसे हैं, कैसे बाथरूम रखे गए हैं यहाँ पर। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की बाथरूम की हालत। देखिए ये बाथरूम का एंट्रेंस है, देखिए बाथरूम, देखिए पूरा गंदगी भरकर जो है बाथरूम की बाहर आ चुकी है, पूरी गंदगी बाहर है। देखिए किस तरह से ये बाथरूम की हालत है जहाँ पर हाजियाँ बाथरूम के लिए आएंगे। देखिए यहाँ पर ये बाथरूम का पानी, ये जो गिला नहीं टपक रहा नहीं, ये बाथरूम का पानी है। देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी टपक रहा है, एक तरफ जहाँ हाजियाँ सो रहे हैं दूसरी तरफ पानी टपक रहा है। इन सोलह सौ बड़ी स्वाद में हाजियाँ पूरा। परेशानी तो मेरी ही नहीं है बल्कि सब हाजियों की है इस साल। इन स्पाइट ऑफ इतने 4.5 लाख रुपीस लेके ये सबसे सर वर्स्ट कंडीशन है। ये टाइम इतने पैथेटिक कंडीशंस हो गए हैं, देखने से न टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, न पीने के पानी की फैसिलिटीज़ हैं, न वजू करने की फैसिलिटीज़ हैं। ओके, आप किसी को भी पूछो, कोई भी हाजी को पूछो, यहाँ पर कोई भी कंटेंटेड नहीं है, कोई भी कंटेंटेड नहीं है। न रूम मिल रहे हैं बिकॉज है नहीं, बिल्कुल ये एश्योरेंस देते रहते हैं कि रूम मिलेगा मिलेगा करके, और दे बाय टाइम घंटों घंटे घंटे करते करते दिन चले गए। अभी हाजी जो है ऐसा लग 2 दिन से यहाँ पर है आके, हाँ, और खाली वादा करते हैं कि मिल जाएगा आपको रूम, मिल जाएगा, फैमिली के साथ है, लेडीज़ हैं साथ में, यू सी द कंडीशंस दे आर फेसिंग, सी द पिलो, सी द थिंग, देर आर टोन मैट्रेसेस अराउंड, फटी हुई मैट्रेसेस हैं, ऐसा आप जाके देखो। 1.5 दिन वो टेंट में रहे सामने, न टेंट में पीने का पानी की फैसिलिटी थी, न वजू करने की पानी की फैसिलिटी थी। लेडीज़ क्या करेंगे ये, और ये मसला जाके ऑफिस में बताया गया उन लोगों को जब आप लोगों ने जी, हाँ, उन्होंने एश्योरेंस दिया पानी आ जाएगा, लेकिन आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं 36 आवर्स के ऊपर, लेकिन पीने का पानी वहाँ पर है ही नहीं। 2 ड्रम रख दिए वहाँ पर, और चिकड़ होता है वजू करने के लिए, न मग्स हैं कुछ नहीं, प्लास्टिक के बॉटल्स हुई उससे वजू करो आप, ऐसा फैसिलिटी बिल्कुल कुछ नहीं है। और नमाज का टाइम होता है, आई हैव हर्ड हाजी टेलिंग कि तारत के लिए पानी नहीं है। आप अगर ये इसमें जाएंगे, टॉयलेट्स में जाएंगे, तो यू विल फाइंड दैट
80% जो टॉयलेट्स आर फ्लडेड विथ मेस, जा नहीं सकते आप उसके अंदर। और ये चलो एक आध बार हो गया, हाउसकीपिंग तो कोई कर रहा ही नहीं है इतना। वो आप टॉयलेट के दरवाजे खोल के देखेंगे तो यू नो जस्ट वॉमिट करेंगे आप, ये इतनी हालत है इसीलिए कैसा। और वजू खाने हैं उधर 8-9, 50% में पानी नहीं है, आज नहीं वो सूखा है, कचरा पड़ा है पूरा। मतलब बिफोर द हज सेशन स्टार्ट्स एटलीस्ट यू मेक श्योर कि वजू खाने चलते हैं, 100% वजू खाना चलना चाहिए। 50% तो अभी भी नहीं चल रहे हैं, 5 फ्लाइट चले गए हैं, 400-450 हाजीज पर फ्लाइट आते हैं, उनके एकम्पनीड पीपल होते हैं, लेकिन ना कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन ना एकदम क्योटिक मिसमैनेज पैथेटिक कंडीशंस ले गए सर। लेकिन ना इन स्पाइट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट दिए अमाउंट 4,27,000 रुपीज़ यू नो, एंड इफ द फैमिली इज ट्रैवलिंग विद टू पीपल यू आर एंडिंग अप स्पेंडिंग 12.5 लाख रुपीज़ 4,20,000 हाँ, एंड दे हैव कॉल्ड थ्री डेज बिफोर एंड दे हैव नॉट नो अरेंजमेंट्स मेड फॉर दिस पार्टी। एंड ये मेरी कंडीशन फ्लाइट नहीं है, आप किसी को भी पूछो, किसी को भी पूछो ले, नन ऑफ द हाजीज आर कंटेंडेड, लाइक यू नो इतना पैसा दे के ड्रामेटिकली पैथेटिक कंडीशन। भाई हमें 11 बजे से 11 तारीख आए थे, उन्होंने रूम देंगे, पहले बोले रूम देंगे करो, दूसरे बार बोले 2 बजे आओ करो, बाद में क्या बोले 6 बजे आओ करे, और 6 बजे गए बार 9 बजे आओ, ईशा के बाद बोले ईशा के बाद बोले तुम्हें और 11 बजे आओ करे। यार दिक्कत में इतना तो बहुत तकलीफें हैं, हमें कह तो मस्तूरात भी है इधर, मस्तूर ऐसा भी है, फैमिली है, फैमिली है, तो मतलब बहुत तकलीफ हो रही है आपको, इतना तो है तो इतना पैसे दे के भी है हाल है। अभी बोले आप भी आओ शाम को 11 बजे 12 हम ना लाज आ रहे हैं कैसा ना हो, या जाओ टॉयलेट जाओ पूरा पानी ठेर छोड़े अभी भी गंदा। हाँ जी आप कहाँ से हो? हम ही बीजापुर से हैं। बीजापुर से बेंगलोर आए थे? हाँ बेंगलोर। बिल्कुल नाराज होंगे, क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे पानी की तकलीफ है, यहाँ पे टॉयलेट की बहुत तकलीफ़ है, टॉयलेट के अंदर पानी ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इधर पे, और सबसे बड़ी बात रूम हाजी को बहुत इसका प्रॉब्लम चल रहा है, बोलते नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन बनने वाला बराबर नहीं है, सब लोग बिजी अपने अपने बिजी हैं, और बाहर से आने वाले को बहुत तकलीफ़ है, वो उसके लिए गौर करना पड़ेगा। और हाजी के रूम में ऊपर टॉयलेट क्लिक हो रहा है, मैं वीडियो पकड़ के है, आप उसको गौर कर सकते हैं, जाके गौर करके देख सकते हैं। और कंप्लेन करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ले रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, एक रुपये का रिस्पॉन्स भी नहीं है। हाजिर लोग बहुत से हाजिर लोग नाराज़ होकर गए, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात बोल रहे हैं, बहुत से हाजिर लोग नाराज़ होकर गए हैं। इसके ऊपर मैं कमेटी से चाहूँगा कि थोड़ा गौर करें, एक मुसलमान के हिसाब से थोड़ा गौर करके गैर मुस्लिम को थोड़ा सा ये बोलना है